हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपसे गर्मी के बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट विंका की केयर और इसकी प्रोपगेशन इसके बारे में मैं बात करूँगी। विंका गर्मियों का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और अगर आप इसे नर्सरी से लेते हैं तो इसकी छोटे छोटे प्लांट्स आपको 20, 25, 30 के करीब आपको ये प्लांट्स मिल जाएंगे। इसकी कई शेड है मेरे पास, ये देसी विंका है। और अगर हम हाइब्रिड और देसी विंका को कंपैरिजन करें तो देसी विंका की बिल्कुल अगर आप केयर भी नहीं करते तो भी ये प्लांट्स अच्छे से चल जाता है और रेनी सीजन का इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हाइब्रिड वाले की बात करें तो उसे थोड़ा रेनी सीजन में बचाना पड़ता है। लेकिन गर्मी के मौसम में, जैसे कि बारिश में, इसमें बिल्कुल कम फ्लावरिंग हो रही थी, फूल भी अच्छे से नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी बारिश हुई है तो इसके प्लांट्स, इसके फ्लावर काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं। हर प्लांट की तरह अगर आप इसको भी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे और तो उस सॉइल में ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चलता है। इसको कभी भी ये पानी की कमी से नहीं मरता, लेकिन अगर इसको अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाता है। लेकिन जैसे कि देसी विंका है जो कि एक ये लाइट पिंक में और वाइट कलर में जो शेड आती है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा हाइब्रिड वाले को हमें रेनी सीजन में रेन वाटर से बचाना पड़ता है। और प्लांट्स की तरह इसमें भी कुछ वर्मी कंपोस्ट एक दो महीने में दे दो तो ये अच्छे से चलता है। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी है इसकी। अगर इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इसको कटिंग से ही लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी हर कटिंग सक्सेसफुल हो। और अगर बीजों, इसके अंदर छोटी छोटी फलियां बनती हैं, अभी मेरे प्लांट्स में नहीं है इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। उसकी छोटी छोटी फलियाँ होती हैं जो कि उसके अंदर बहुत ही बारीक कलर के, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। वो फलियाँ जब अपने आप पक जाती है तो कभी कभी तो अपने आप ही गिर जाती है और छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। लेकिन हाइब्रिड विंका में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसकी मुझे कटिंग से लगानी पड़ी है। हाँ, देसी विंका का एक प्लांट से काफ़ी कई प्लांट्स बन गए हैं। और ये प्लांट्स वैसे तो इसको ज़्यादा बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक देसी विंका जब बड़े गमले में लगाया तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा अच्छा सा हो गया है। और देखिए इसके हाइब्रिड में आपको कई कलर मिल जाते हैं। मेरे पास मोस्टली पिंक और डार्क, जैसे मेहरून है इसमें ये पिंक दिख रहा है, बाकी डार्क थोड़ा मेहरून कलर है। बारिश की वजह से इसमें पानी ज़्यादा हो गया और बस इसको अच्छे से। हाइब्रिड विंका को तो खैर 4-5 घंटे की धूप काफ़ी है, वरना थोड़ा ख़राब भी हो सकता है प्लांट। लेकिन ये जो देसी वेराइटी है इसको आप चाहे हवा में, धूप में, कैसे भी आप रखिए, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये प्लांट्स कभी इतने इजीली मरता भी नहीं है हर बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।